हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग टीवी। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस की रेगुलर लिस्ट का डे 8। हमने कल संडे के दिन काफ़ी कुछ अपनी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपको, तो आज हम डे 8 से फिर से अपनी वैसे की वैसी स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमारी पिछले 6 दिन में थी, जो कि आप रेगुलर मंडे से स्टार्ट किए थे पहले। तो अब हम जो डे 8 स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका इन 7 दिनों में जो एक्सपीरियंस रहा आपकी तैयारी करने का, मतलब 1 वीक के अंदर, हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस टाइम टेबल को फॉलो करके कैसा रहा और आपकी कितनी प्रिपरेशंस हो चुकी है। ठीक है, तो डे 8 अपना स्टार्ट करते हैं। ड्रीम अबाउट सक्सेस बट ऑल्सो वर्क फॉर इट। इस मोटिवेशनल कोट का मतलब ये है कि अगर आप सपने ले रहे हैं किसी चीज़ के, ठीक है, लेकिन खाली सपने लेने से ही कुछ नहीं होता। अगर आप किसी सक्सेस के सपने ले रहे हैं, अगर जब तक आप उसे काम में नहीं लाएंगे, मतलब जब तक उसके लिए आप काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप सपने ले रहे हैं कि एक बैंक का पीओ बनने के लिए या पीओ की पोस्ट पाने के लिए, तो आपको सपने लेने से के अलावा अपनी तैयारी भी जारी रखनी होगी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, लॉकडाउन लगने के बाद बच्चों को लगा था कि अब शायद एग्ज़ाम ना हो, तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। लेकिन कुछ हद तक काफ़ी ऐसे भी थे बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, और जब बाद में एकदम से डेट आई तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और उनका टेस्ट, उनमें से कईयों का टेस्ट क्लियर हो भी गया था और वो आज पीओ लग के बैठे। तो और जो उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, वो ऐसे कैसे रह गए। तो इसीलिए अगर आपने कोई सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी मेहनत को पूरा करने के लिए, इसी मेहनत को सफल बनाने के लिए आपके लिए स्ट्रेटेजी लिख रहे हैं, जिसका डे 8 ये है कि आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। जब भी उठते हैं उस टाइम उठ लीजिए, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे आपको फिर से क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट के जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं ना, आप कीजिए। उसके बाद आपने 2 वीडियो देखनी है अमर सर की, ये DI की 2 वीडियो देखनी है आपकी, डाटा इंटरप्रिटेशन की। इनकी 326 सीरीज़ है DI की, अमर सर की आप वीडियो देख लीजिएगा। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ समझा रखा है। तो आपको सुबह 2 घंटे का यही काम करना है। और हाँ गाइस, अगर आपके पीछे के टेबल में 11 क्यूब स्क्वायर रिवाइज नहीं है, तो आप कम से कम 10 मिनट उनको भी दे दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप दिन में किसी भी टाइम निकाल के उसे 10 मिनट दे देंगे, तो कोई आपका कुछ चला नहीं जाएगा, आपकी क्या है, रिविज़न हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 2 घंटा क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर सकते हैं, और आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, DI की वीडियो देखनी है जो कि अमर सर ने बना रखी है, 326 सीरीज है उनकी DI की, तो आपको ज़रूर देखनी है। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे आपको क्या करना है, वही न्यूज़पेपर रीडिंग जो कि आपकी एक हैबिट बन चुकी होनी चाहिए। द हिंदू का न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश का जो भी न्यूज़पेपर आपके घर में अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करने के साथ साथ वही चीज़ करनी है, अपना वर्ड कलेक्शन करना है। नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा, वर्ड कलेक्शन कीजिएगा, जौन सा आपको डिफरेंट वर्ड लगता है, डिफ़िकल्ट वर्ड, उसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ साथ न्यूज़पेपर रीड करने के साथ साथ आपको नई नई खबरों का जो पता चलेगा, उससे आपके करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, तो वर्ड कलेक्शन में आपको वही चीज़ें करनी है, अपने नए नए वर्ड लिखने हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, ग्रामेटिकली उसे अच्छे से उस पर रिसर्च करनी है। उसके बाद उसका वर्ड का मीनिंग हिंदी में लिखिए, उसका सिनोनिम एंटोनिम लिखिए, और अपनी तरफ से एक सेंटेंस बना के देखिए कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, क्या होगा कि आपने अगर न्यूज़पेपर पहले से कई दिन पहले के पढ़ रहे हैं और जो वर्ड रिपीट होगा, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये वर्ड का मीनिंग तो मुझे पता है और ये मेरी नोटबुक में राइट डाउन भी है। इसीलिए आगे चलते हैं। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक आपको करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है। अड्डा 247 पर आशीष गौतम सर ने बहुत अच्छी वीडियोस दे रखी है, इसी टाइम में वो अपनी वीडियोस देते हैं, तो आप उस पर जाकर अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, कुछ करंट अफेयर्स आपको उस टाइम हो गए, और अब जो पढ़ेंगे आपके वो रिवाइज हो जाएंगे और नए करंट अफेयर्स आप यहाँ से सीख जाएंगे। उसके बावजूद अगर वो कुछ नोट डाउन करने के लिए कहते हैं, तो अपनी नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठिए, सिर्फ काम की चीज़ें नोट डाउन कीजिएगा, सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे तो आपका ध्यान लिखने में ज़्यादा, समझने में कम हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक लाइन में या एक अक्षर में जो चीज़ लिखी जाए वही लिखिएगा, काम की चीज़ ओनली। तो करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं,
1 घंटा, इसको 1 घंटा दे दीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद 2 बजे से 3:15 बजे तक दोपहर के टाइम में मैंने सिलोनिम्स स्टार्ट करवाए थे, तो इसका चैप्टर आपको करना है, इसकी रिवीजन आपको अच्छे से करते रहने हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे सिलोनिम्स के, वो आपको जितने ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिएगा। फिर आपको 2 वीडियोस देखनी है पजल्स की, इसके लिए आप अंकुश लांबा सर के, सचिन मोदी सर की वीडियोस देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। तो ये रीजनिंग का पोर्शन आपको भी मत छोड़िएगा, आपको सिलोलिम्स और 2 वीडियो पजल्स की ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसको 3 दिन हो चुके हैं। आई थिंक सिलोलिम्स को और पजल्स की वीडियो को 2 ही दिन हुए हैं, तो इसको मैंने 3 दिन इसलिए दिए, थोड़ा सा हटके है टॉपिक, तो इसलिए आपको उस पर थोड़ा टाइम देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ एक नया चेंज लाना है, जो 8वें दिन वो ये है कि 3:15 से 4:15 बजे घर पर आप 1 घंटा क्या कीजिए, अपना मॉक टेस्ट प्रीलिम्स करना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक प्रीलिम्स। इसके लिए आप इसका PDF गाइडली चैनल से ले सकते हैं, आराम से आपको इनके टेस्ट के PDF मिल जाएंगे, आप टेस्ट जिस तरह से भी देना चाहे कहीं से भी वो आप देख सकते हैं। 1 घंटा आप इसको देना चाहे तो दे दीजिए, आपको ज़रूर या आज से स्टार्ट करना चाहिए इस चीज़ को। आगे शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं इंग्लिश में, एरर्स के एरर्स निकालनी है, ग्रामेटिकली जो भी एरर्स होती हैं उन्हें राइट डाउन कीजिए और चेक कीजिए आपके कितने ठीक है कितने नहीं है। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए आपको एरर्स किस तरह से निकालने हैं। फिर परफेक्शन बुक जो मैंने बताया निमिषा बंसल मैम की, जो उन्होंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उससे काफ़ी बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है। परफेक्शन बुक अगर आपके पास नहीं तो आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, लूसेंट की या कोई भी हो आपके पास, और आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, तो क्या हो गया है, 5 से 6 बजे तक 20 क्वेश्चंस एरर्स के और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है परफेक्शन बुक से, या फिर आप इनकी नमिषा बंसल मैम की परफेक्शन सीरीज में भी देख सकते हैं। फिर आपने 6 बजे से 7 बजे तक वो कैब की रिविज़न करनी है, जो कि हम पहले ही करते आ रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे तक आप कैब की रिवीजन करनी है, इसके लिए आप एडिटोरियल वीडियो देखना जरूर नमिषा बंसल मैम की और विशाल परिहर सर की, इससे आपकी क्या है वो कैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के वर्ड जो नोट डाउन किए हैं वो अगर वापस में रिपीट होंगे तो आपका उसका रिवीजन हो जाएगा, उसके अलावा आप नई चीज़ें सीखेंगे। एडिटोरियल वीडियो देखना। फिर वही रात के 9 बजे से 10:30 बजे तक आपको 1.5 घंटे देना है करंट अफेयर्स क्विज़ को। करंट अफेयर्स क्विज़ में आपने क्या है, करंट अफेयर्स क्विज कहीं से भी आप PDF ले सकते हैं, चाहे गाइडली चैनल से आप PDF ले लीजिए, या फिर इसका सबसे अच्छा सोर्स ये है कि अफेयर्स क्लाउड ऐप से आप इसका PDF पर ले सकते हैं। इसके आप क्या करें, कुछ महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसके काफ़ी अच्छे अच्छे इनके PDF आते हैं करंट अफेयर्स क्विज के, तो वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपने सुबह 2-3 बार करंट अफेयर्स पढ़े हैं, चाहे न्यूज़पेपर से पढ़े, उसकी वीडियो भी देखी है आपने आशीष गौतम सर की, तो उससे क्या आपका रिविज़न भी हो जाएगा और आपको क्विज करने भी आ जाएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप Adda247 ऐप से भी करंट अफेयर्स की क्विज ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपको टाइम देना है आपको टाइम देना बैंकिंग अवेयरनेस को, मींस के पेपर में बैंकिंग अवेयरनेस 5 नंबर की आती है, इसके लिए एक तो कपिल कतपाल सर की वीडियो देख सकते हैं या अभिजीत मिश्रा सर की, या फिर एक और चैनल बता देता हूँ आपका स्टडी विद गीति का, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, आप उनकी देख सकते हैं। काफ़ी उन्होंने मोटिवेशनल वीडियो बना रखे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, मतलब जो आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करा देंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा डेट का पूरा स्टडी शेड्यूल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में।